नमस्कार दोस्तों, कांग दे रंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं कुलविंदर सिंह कांग। आज मैं आपसे क्रिकेट से या खेलों से हटके कुछ बात करना चाहता हूं। ये जो मफलर मैंने ऐसे ही बेतरतीब पहना है ना, अच्छा नहीं लग रहा ना, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। अब इसको सही किया, अब अच्छा लग रहा है। तो क्यों ना जब हम अपने लिए इतना कुछ सोचते हैं, ड्रेसअप होते वक्त हम अपने ऊपर पूरा ध्यान देते हैं, तो हम अपने आसपास ध्यान क्यों नहीं देते? आप व्यवस्था को ठीक क्यों नहीं करते? अगर आप घर में हैं, आप घर में जब आप निकल रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, आप ड्राइंग रूम से निकल रहे हैं, मैं सभी लोगों के लिए, जो है वो महिला है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो बच्चे हैं, परिवार के जो सदस्य हैं, उनको मेरी एक थोड़ी सी निवेदन है कि अगर आप आते जाते ड्राइंग रूम की किसी एक चीज को सेट करते जाए, जैसे गद्दियां बिखरी हो तो उनको सेट करके लगा दें, कोई और काम इधर उधर फालतू की चीज पड़ी उसको उठा के प्रॉपर जगह पे रख दें, तो मैं समझता हूं कि घर और अच्छा लगने लग जाएगा। और ये काम सिर्फ घर की महिलाओं का नहीं है, हर एक आदमी का, बच्चे का, बूढ़े का, बड़े का, घर के मालिक का। एक दूसरी बात, बचत हो तो अच्छा लगता है, और खासतौर पर बिजली की बचत की मैं बात करना चाहूंगा। आपने देखा होगा घर में स्विच केवल वही बंद करता रहता है घूम घूम कर जिसको बिजली का बिल भरना होता है, और जिसको बिल नहीं भरना होता है वो लाइट ऑन छोड़ा, पंखा ऑन छोड़ा, एसी हीटर चल रहा है, टीवी चल रहा है, और काम कहीं और हो रहा है। आप उसका भी ध्यान रखिए। आप ड्राइंग रूम हो, किचन हो, डाइनिंग एरिया हो, बालकनी हो, आप व्यवस्था के साथ रहिए, अच्छा लगेगा आपको भी। कोई अचानक आपके घर गेस्ट आ जाए उनको भी बहुत अच्छा लगेगा कि घर को कितना साफ सुथरा रखा है। अक्सर हमने देखा कि अचानक आकर जो आपके घर बेल बजा देना, फिर आप बेल सुनकर दरवाजे की तरफ बाद में दौड़ते हैं, पहले ड्राइंग रूम को देखते हैं इधर उधर, और अगर कपड़े बिखरे हैं, कंबल पड़ा है, उठा फूक के आप उसको इधर उधर पटकते हैं ताकि कोई देख ना ले। लेकिन यही अगर आप व्यवस्थित होकर चले, चीजों को अपनी जगह पर रखना शुरू करें, तो मैं समझता हूं कि आपको भी अच्छा लगेगा और ये आपकी आदत में शुमार हो जाएगा। और खासतौर पर छोटे बच्चों को बचपन से इस चीज की आदत डालनी चाहिए कि वो कुछ काम करें। कई काम ही नहीं करते, जहां पानी पिया वही ग्लास रखते हैं, सुबह उठे जहां कंबल पड़ा है तकिया कहीं पड़ा है, आप नहा करने के लिए टावल कहीं पड़ा है, गीले का गीला पड़ा है, अरे भैया सूखने डाल दीजिए, सूर्य देवता थोड़ी आएंगे टावल को सूखने डालने के लिए, ये आपका काम है। सो स्विच बोर्ड पे लाइटें बंद कीजिए, जो जरूरत नहीं, बचत होगी देश की भी और आपके पैसे की भी। और चीजों को व्यवस्थित ढंग से रखिए, और जो फालतू चीजें उनको घर से निकालिए। कई जगह हमने देखा है लोगों ने कूड़ा भर रखा होता है जिसकी कभी जरूरत नहीं है, अगर फेंकने के लिए बोले नहीं नहीं रख दो कदे काम आ जाएगा, कब काम आएगा, जो आज तक काम नहीं आएगा दोबारा कब काम आएगा? अगर मैं कहता हूं कि आपके ड्राइंग रूम में आपको बिठाकर आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए और आपको पूछा जाए कि बताओ ड्राइंग रूम में क्या सी चीजें पड़ी हैं, क्या क्या पड़ा है, तो आप 50% चीजों को बता ही नहीं सकेंगे कि कहां क्या पड़ा है। तो जो आपको ही नहीं पता कि कहां क्या रखा है, फिर उसको रख के करना क्या है, निकालिए, बेच दीजिए। मैं किसी को ऐड नहीं कर रहा, लेकिन साफ सफाई रखिए। दूसरी बात, हम तो इंसान हैं, जानवर भी अगर कहीं बैठते हैं तो जगह को साफ करके बैठते हैं, समझ गए ना? ध्यान रखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। नमस्कार।